हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मटन करी बनाना दिखाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या लगेगा। ये 1 kg मटन है और इधर ये मसाले हैं। 4 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्च है, 3 तेज पत्ता है और नमक स्वाद अनुसार है। और ये अदरक लहसुन और जीरा काली मिर्च का पेस्ट है, 4 चम्मच है ये इस चम्मच से। और ये 1 किलो मटन में 1/2 किलो प्याज है कटा हुआ, स्लाइस कटी हुई है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी और अच्छा बनता है। ये देखिए हमने कुकर लिया है, अभी चढ़ाया नहीं है गैस पे। इसमें सब मटन डाल देंगे। मटन इसमें सब डाल दिए हैं, अब इसमें कटा हुआ प्याज सब डालेंगे। देखिए बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है, एकदम बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब प्याज पड़ गया है, अब सभी मसाले सब इसी में डाल देना है। ये धनिया, ये मिर्च, ये 3 तेज पत्ता, ये हल्दी और ये नमक, सब चीज एक साथ इसमें डाल देंगे। और ये पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसमें सब प्याज और मसाले पड़ गए हैं। अब आखिरी में इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। देखिए देखिए अब इसमें सब चीजें पड़ गई हैं। अब बस इसको मिला दीजिए अच्छे से। अभी सब मिला दिए हैं, अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे। तेज आंच पे चढ़ेगा अभी शुरुआत में। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो गया है और इसमें अब खोलने लगा है। इसको 5-5 मिनट पर चलाते रहिए ताकि नीचे लगे नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि बस जले नहीं नीचे से, फिर इसमें धीरे धीरे कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें अब तेल छोड़ने लगा है, लेकिन अभी 15-20 मिनट हो गए हैं इसको भूनते भूनते। शुरू में आंच तेज रखना है, जब उसके बाद फिर धीमा कर देना है। फिर इसको धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनते रहिए। अब इसमें अभी भी इसको टाइम लगेगा। अभी 1/2 घंटा समय लगेगा भूनने में। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाना है और मुझे बस लगे नहीं, चिपक जाएगा तो जलने की भैंस आ जाएगी। और धीमी आंच पर रखिए और इसको चला के थोड़ी थोड़ी देर पर ढक दीजिए। हर बार ढक जरूर दीजिए, ऐसे ढक के ऐसे पकाते रहिए। ये देखिए इसका कलर और डार्क होते जा रहा है। बस धीमी आंच पर इसको भूनते रहिए जब तक कि और कलर अच्छी तरह से भून ना जाए, और कलर आ जाए इसमें। ये देखिए अब भून गया है, 1/2 घंटा हो गया है भूनते हुए, इसमें कलर आ गया है। अब इसमें पानी डालेंगे। देखिए ये पूरा भून गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ मार्केट का है, ये डाल दीजिए। इसमें गरम किया हुआ पानी डालना है। ग्रेवी आपको जितना रखना है उतना पानी डालें। इसमें हमने 4 कप गर्म पानी डाला है, ये देखिए। और इसको अभी ये पका नहीं है, सिर्फ भुना ही था। और इसको स्टीम लगा के अब कुकर बंद करके स्टीम कम से कम 10 मिनट पकने दीजिए।
देखिए अब ये हो गया है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ये पूरा हो गया, देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको रोटी चाहे चावल के साथ सर्व कीजिए। थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए, बहुत टेस्टी बना है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया तो।